हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च में आज हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड जो था उसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। तो हमने ये ब्रांच एंड बाउंड मेथड का एक एग्जांपल समझा हुआ है और इसका एल्गोरिथम हमने समझा था। इस एल्गोरिथम से हम किस उसे कोई भी आईपीपी को उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आज मैं फिर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये एक्चुअली ये मेथड है ना, आपको एग्जाम्पल से ही बेटर समझ में आएगा। वैसे इसकी थ्योरी ना बड़ी बेकार है, समझ में नहीं आएगी इतनी अच्छे से। तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। जो आपका गोमरी मेथड है वो तो ज़्यादा वेरिएबल के लिए सही होता है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन जो है टू वेरिएबल में गिवन हो ना, यहाँ पे देखो x1 और x2 दो ही वेरिएबल यूज में ले रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन या ऐसे LPP के लिए, IPP के लिए आप क्या करोगे, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम यूज करना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ तो ड्रॉ करना था, सिंपल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स, ये वाई एक्सेस होगी, ये एक्स एक्सेस होगी। तो यहाँ से देखो पहली इक्वेशन क्या है, इसमें ना 8 का भाग दे दिया करो। क्या करोगे, x1/4 और प्लस x2/8 और इट्स लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x के डिवाइड में आ रहा है वो x1 पे, यहाँ पे 4 हो गया और x2 पे कितना है, 8 है। तो इसका डबल यानी कि 8 यहाँ हो गया। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन होती है ये वाली, ठीक है। ऐसे कर लिया करो कोई भी इक्वेशन को सोल्व करना हो ना, तो आपको ऐसे वैल्यूज पुट करके देखो, ये तो टाइम लगता है कहाँ से जाएगी, लेकिन ऐसे आपको जल्दी पता चल जाता है। तो ये तो होगी हमारी पहली लाइन, तो इसको नाम दे दो पहली लाइन, ये दूसरी, ये होगी पहली। दूसरी को सिमिलरली आप क्या करोगे, x1/6 और प्लस x2/3। तो इस लेस इज ग्रेटर देन ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x1 पे तो 6, ये वाला 4 था, ठीक है, ये वाला पॉइंट था 4 4 0। x1 पे तो 6 ये यहाँ का ये होगा, ठीक है। तो 6 0 और इस पे 3 ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से पास होने लाइन ये वाली होगी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 3 0 3 और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 8। और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपने को शेडेड रीजन बनाना है कि रीजन कौन सा होगा शेड, जो हमारा कॉमन एरिया है। तो एक तो x1 ग्रेटर देन हो गया, सॉरी ये x2 ग्रेटर देन है, ठीक है। और x1 ग्रेटर देन का मतलब ये वाला इस साइड होगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है इस लाइन के नीचे की तरफ, तो नीचे इस साइड, यानी कि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन के 0 की तरफ जो रीजन होगा वो हमारा कॉमन एरिया होगा। और ये लाइन देखो, ये 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो इसके उल्टी साइड 0 की तरफ, 0 से अपोजिट साइड में इसका एरिया होगा। तो तीनों से कॉमन एरिया ये वाला हो गया, ये बीच वाला है ना, तो ये इसको आप इसमें डार्क कर लीजिए, ये वाला रीजन हमारा फिजिबल रीजन हो गया। तो हमारा जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो इसी में से आने वाला है। तो एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी LPP है उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसके फिजिबल जो रीजन होगा उसके वर्टेक्स पे ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे, तीन वर्टेक्स है ना। तो इन तीनों में से ही किसी न किसी पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू या ऑप्टिमल वैल्यू मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप इसके कोऑर्डिनेट तो 0 8 है ना, इसके कोऑर्डिनेट है 0 3, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके निकालोगे। तो वो आप ये बहुत ही छोटी क्लास की प्रॉब्लम है जो मतलब ऐसे दो इक्वेशंस को सोल्व करके निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, 10/3 और 4/3 वैल्यूज होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो 10/3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4/3। एक्स वन की वैल्यू आएगी वहाँ पे 10/3 और एक्स टू की वैल्यू आएगी 4/3। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, कौन से पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप 0 8 पे देखो, ये हमारा जेड है, तो जेड एट 0 8 तो वो हो गई 0 8 6 32, 32 आ गया। और फिर देखो 0 3 पे जेड एट 0 3 तो वो 0 3 4 12। और फिर देखना जेड एट 10/3 4/3 10/3 4/3 तो यहाँ पे रखोगे पहले 10/3 रख दो, 10/3 और प्लस 4/3 4/3 यानी कि
16, 16 बाई 3, तो ये हो गया 26 बाई 3, 26 बाई 3, तो ये कितना आ गया, 8 * 3 = 24 होता है, 9 * 3 = 27 होता है, तो इसके बीच में आ गया कहीं ना कहीं, है ना, 8 और 9 के बीच में आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिली हमें, 10/3 और 4/3 पे मिली। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 = 10/3, x2 = 4/3। ये हमारे पास ऑप्टिमल, सॉरी 4/3 था ना, हाँ 4/3 था, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, आईपीपी, तो हमारे पास क्योंकि इसमें लिखा है क्या मैंने, हाँ ये देखो, देखो ठीक है, इंटीजर, तो इंटीजर तो नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो गई। तो बाउंडेड मेथड से हम इसमें एक, इसके दो एलपीपीज बनाएंगे, दो एलपीपीज। तो देखिए, तो पहली में ये देखो, इसको आप देखो, ये किस कौन इससे किससे ज्यादा है, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, ये 3 * 9 3.33 समथिंग है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में ये वाली है ना, ये वाली क्वांटिटी क्या है, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे आप जो दो एलपीपी बनाओगे, तो इसमें जो x1 जो है, एक एक्स्ट्रा कंसिडर करना पड़ेगा तुम आपको, कि x1 < 3 और यहाँ पे x1 > 4, क्योंकि जब x1 3 और 4 के बीच में था तब तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, ऑप्टिमल मिला लेकिन वो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं था। तो इसलिए आप क्या चेक करोगे, आइदर तो x1 जो है 3 से छोटा हो या फिर x1 जो है वो 4 से बड़ा हो, तब हमारा क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, चलो लिख के लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x1 + x2 = 8, 2x1 + x2 = 8, और दूसरी इक्वेशन थी x1 + 2x2 > 6, और अब ये नया ऐड कर देंगे हम, x1 < 3, ओके, < = 3। और सिमिलरली यहां पे आप दूसरी इक्वेशन लिखोगे, दूसरी एलपीपी लिखो, तो जिसकी पहली इक्वेशन तो सेम वही होगी, x1 + x2 = 8 और x1 + 2x2 = 6, और फिर आ जाएगा x1 > 4, ठीक है। तो इनको ड्रॉ कीजिए, तो ये एलपीपी, सब एलपीपीज बोलते हैं इनको, ठीक है, सब एलपीपीज, फर्स्ट और ये होगी, या एलपीपीज या आईपीपी जो भी है, ठीक है, ये सेकंड, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे, पहले पहली वाली लाइन तो सेम एज इट इज वही है, ठीक है, 4 और 8 से जा रही है, यानी ये तो हो गया 0 8 और ये हो गया 0 4, और फिर है ये वाला जो कहाँ से जा रही है, ये वाला 6, यानी कि 6 0, सॉरी ये 4 0 नहीं है, ये 0 4 0, 4 0 नॉट 0 4, फोर जीरो, और ये क्या है 0 3, ठीक है। अब ये पॉइंट तो था कितना, x = यहाँ पे कितना था, 10/3 था, यानी कि ये 3 से ज्यादा है, तो यहाँ 3 यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ से जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये वाला, और ये क्या है < 2, ये इस साइड रीजन है, इस साइड रीजन, इस साइड, इसका इस साइड तो कॉमन तो ये था, और इनमें से ये, तो ये वाला हमारा रीजन कॉमन हो गया। ये हमारा रीजन हो गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखो कौन कौन से हैं, बताओगे मुझे, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसमें आप x1 की वैल्यू 3 रख दो, x2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, और x2 की वैल्यू यहाँ से निकालना, यहाँ पे 3 को 6 6 इस साइड आएगा 2, तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा, रुको, तो यहाँ पे 6, तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे, एक सेकंड,
3/2 आ गया क्या? नहीं, हाँ 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया कैसे कि ये जो है ना, ये वाला लाइन ऐसे 3 ऊपर होना चाहिए था ना। अगर ये 2 वैल्यू आ रही है तो ये ऊपर थोड़ी हो सकता है। ये थोड़ा ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, ये 3 ऐसे ऐसे आएगी लाइन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पॉइंट्स मतलब है। ओके, अब ये वाला पॉइंट क्या होगा? अब क्या करो, ये सेकंड लाइन में यहाँ पे x1 की जगह क्या पुट कर दोगे? 3, ये 3 है ना, x1 = 3। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करना, 3 रखोगे तो इस साइड आएगा, तो ये 3 में 3 गया, 6 में 3 गया, 3/2 आ गया ये। तो ये दूसरा पॉइंट जो है वो है 3 और 3/2। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। एक तो क्या, 0 3, 0 8, 3 3 8, 3/2 और 3/2, और इन पे आप मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमारे पास z = क्या था? z = था हमारा x1 + 4x2। तो देखो, तो z 0 8 तो वही रहेगा हमारा, कितना 8 चौके 32। z 0 3 कितना रहेगा? 12। z 3/2 कितना रहेगा? 4 × 8। और z 3/3/2 ये कितना रहेगा? ये हो गया 3 × 6। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आई? ये वाली होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? ऑप्टिमल सॉल्यूशन = क्या हो गया? x1 = 3 और x2 = 3/2। बट ये ऑप्टिमल नहीं है, बिकॉज x2 = 3/2 आ रहा, फ्रैक्शनल में आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। फिर हम इसका ब्रांच बनाएंगे, बट पहले आपको देखना है इसका सॉल्यूशन, इसका देखना है। अगर आपके पास इसका सोल्व कर लिया आपने, इसका ऐसे बाय ग्राफ सोल्व किया, और मान लो किसी पॉइंट पे जो भी है x1 x2 पे इसकी वैल्यू आ गई 6 से भी कम, मान लो 5 आ गई, तो ये मिनिमम होगा। यानी कि इन दोनों ब्रांच में से, ये सब ब्रांच ही ना, इन दोनों ब्रांच में से ये मिनिमम होगा, और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, इसको यहाँ पे रोक देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया, ये वाली लाइन वो होगी, और ये वाली लाइन दूसरी होगी। ठीक है, ये रीजन था। तो ये वाला पॉइंट कितना था? 10/3 और कितना था? 10/3 और 4/3। अब हमारा ये पॉइंट तो 3 से समथिंग, थोड़ा सा 4 से कम है ना, तो और ये क्या है? x1 > 4, यानी कि ये लाइन ऐसे जाएगी यहाँ से, ये वाला x1 = 4 तो इस साइड जाएगी। तो ये वाला रीजन क्या? इस साइड है, ये वाला लाइन बोल रही है इस साइड होना चाहिए रीजन, और यहाँ पे आ रहा कॉमन इस जगह, तो ये तो कॉमन रीजन ही नहीं हुआ, ये तो इधर हो गया और ये यहाँ हो गया, तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो यहाँ से आप बोलोगे नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन, तो हमारा ये बंद, यही बंद हो गया ये वाला। लेकिन अब इसको प्रोसीड करेंगे आगे, समझ रहे हो? दो ब्रांच बना लीजिए इसकी, यहाँ पे x2 कहाँ और कहाँ के बीच में? x2 जो है वो 1 और 2 के बीच में, तो आपके पास जो LPP होगी वो x2 यहाँ तो होगा less than 1, ये तो हो गया <= 1, और यहाँ से x2 जो है वो <= 2। ऐसे आपको ये दो लेनी है, बाकी वही सेम इक्वेशंस रहेंगी। पहली इक्वेशन थी क्या थी? 2x1 + x2 < 8, और दूसरी थी x1 + 2x2 > 6, और फिर क्या थी? x1 < 3। ठीक है, सिमिलरली ये 2x1 + x2 = 8, और x1 + 2x2 = 6, और फिर था ये दोनों ना, x1 < ये 4 मत लेना है यहाँ पे, x1 > 4 मत लेना, क्योंकि वो वाला केस तो बंद ही हो गया, ये रहा बंद पड़ा है ना। हमें सिर्फ इस वाले का ही दो ब्रांच और बना दी इसकी। ठीक है, ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस वाले का ग्राफ करते हैं ड्रॉ। तो पहली लाइन तो वही होगी। ठीक है, ये कितना हो गया? 0 8, और ये कितना हो गया? 4 0, और दूसरी लाइन होगी ये वाली,
ये वाली क्या है 060 और ये वाला 03। अब देखो एक 3 वाली लाइन थी वो सॉरी यहाँ से जाएगी है ना ये वाला, ठीक है। और ये कितना पॉइंट था 0 सॉरी 0 ये था अपना 3 2 और ये वाला पॉइंट था 3 3/2 है ना। लेकिन ये क्या बोल रही है x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो 1 3/2 था तो इससे भी छोटा ये वाला, यहाँ से ये वाला x2 इज इक्वल टू 1 है, समझ रहे हो ना। ये तो डेढ़ है, डेढ़ से कम एक यहाँ होगा, ये 2 था ये डेढ़ था तो ये यहाँ होगा, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी। और बट ये क्या बोल रहा है x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि 0 की तरफ, तो इसका रीजन तो ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन हमारे पास तो रीजन तो ये था कॉमन है ना, तो इसका और इसका साथ तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ से हमारे पास नो फिजिबल रीजन आ गया, समझ रहे हो ना कैसे आता है ये नो फिजिबल रीजन। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये वाला और ये वाला लाइन ठीक है दो हो गई, और ये हमारी 3 वाली लाइन। अब इसने बोला है x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला देखो ये वाला पॉइंट हमारा क्या था 3 2 था, और ये वाला पॉइंट क्या था 3 3/2, ये वाला 0 3। अब ध्यान रखना ये वाला थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर देता हूँ, ये थोड़ी लाइन ऐसे ऊपर से जाएगी तो ये ना बहुत इफेक्ट डालता है हमारी थिंकिंग पे, कंफ्यूज हो जाएंगे। वरना मैं थोड़ा सा ठीक से इसको ड्रॉ करता हूँ, तो इस पॉइंट से तो ऑब्वियसली ऊपर से जाएगा, ठीक है ऐसे जाएगा ये, तो ये वाला हो गया 0 3, ठीक है। तो ये 2 है यानी कि 3 और 2, तो x2 इज इक्वल टू 2, ये देखो ये 2 ये वाला पॉइंट क्या है x2 इज इक्वल टू 2 है, तो यानी कि यहाँ से जाएगा ये लाइन, समझ रहे हो ना ठीक है। तो अपने पास जो रीजन है वो ये देखो x2 ऊपर है यानी कि x2 2 से बड़ा होगा, और ये वाला लाइन तो हमारे पास कॉमन एरिया था तो ये ऊपर ही आ गया ना, ये कॉमन एरिया आ गया, ये वाला कॉमन एरिया हो गया ठीक है। जिसके वर्टेक्स क्या है एक तो ये रहा 0 8 0 3, और एक ये आया नया वर्टेक्स और एक ये 3 2 है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है पता है क्या, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे आप जो ये ये वाली कौन सी लाइन थी सेकंड दूसरी लाइन है ना, ये दूसरी लाइन में आप x2 की वैल्यू 2 रख दो, तो दूसरी वैल्यू ये दूसरी लाइन में x2 की जगह 2 रख दो, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 2 रखो 4 4 इस साइड जाएगा तो 2, मतलब 6 में से 4 गया 2 बचेगा, तो यानी कि 2 आ गया। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसके है 2 2, ठीक है समझ में आ गया ठीक है। तो अब मिनिमम देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो सॉरी मैंने ऊपर एक मिस्टेक कर दी थी क्या, ओ हाँ कर दी थी कर दी थी। ये देखो इसका मैंने 8 कर दिया था ना, यहाँ 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा सॉरी, और ये भी 6 नहीं आएगा, देखो क्या आएगा दोबारा देखते हैं, मैंने गड़बड़ कर दी थी। ये होगा 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 11 होगा क्योंकि 3 प्लस 4 दूनी 8, और यहाँ से क्या होगा 3 प्लस 6 यानी कि ये होगा 9, बट मिनिमम ये तो कोई दिक्कत नहीं है आगे की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ये, लेकिन मिनिमम ये होगा ठीक है। तो अब इन इन पॉइंट्स पे चेक करते हैं, जेड हमारा क्या था x1 प्लस 4 x2 था, तो z 08 तो होगा ही नहीं, वो तो 8 चौके 32 हो गया, और z 03 होगा नहीं क्योंकि ये कितना होता है 4 तिया 12 होगा। अब बात करते हैं 3 2 की, z 32 हमारा क्या आ गया 3 प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 8 3 11, और z 22 देखिए क्या आएगा 22 पे, 22 पे आएगा 2 प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 10 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या आई ये वाली आई। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज क्या आ गया x1 इज इक्वल टू 2 x2 इज इक्वल टू 2, और मिनिमम z इज इक्वल टू 10। अब देखो ये इंटीजर है, इंटीजर है और ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया।
इसकी और कोई ब्रांच नहीं बनेगी बिकॉज हमारा सॉल्यूशन जो है वो इंटीजर में आ गया। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। मजा आया? तो ऐसे हम इसको ब्रांच एंड बाउंड मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बाई ग्राफिक मेथड। तो मुझे ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना, आपको भी शायद ये वाला बहुत अच्छा लगा होगा, घोमरी मेथड से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो बट इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि रिस्ट्रिक्शन हो गया, रिस्ट्रिक्शन ये हो गया कि आप ना एक्स वन और एक्स टू में कोई इक्वेशन गिवन होगी तो ही कर पाओगे इसको, क्योंकि इसको बाई ग्राफ सोल्व करते हैं और X3 एक और वेरिएबल आ गया तो उसका ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये इसीलिए गोमरी मेथड तो इन जनरल सब जगह काम आता है, लेकिन ये वाला है सिर्फ टू टू वेरिएबल के लिए काम आता है। तो बट अच्छा है ये वाला। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, इसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। इस पे ना एग्जाम आता ही हर साल ही, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता ही हर साल इस पे, गोमरी या इस पे, ठीक है। तो IBP आपको गिवन ही होती है। तो ठीक है।